भारत से मून मिशन चंद्रयान 2 से एक और बड़ी और अच्छी खबर है। देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का पृथ्वी की कक्षा में शानदार प्रदर्शन चल रहा है। चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के तीसरे ऑर्बिट यानी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने बताया कि सोमवार दोपहर 3:12 पर चंद्रयान ने धक्का देने वाले प्रणोदन प्रणाली के जरिए तीसरी कक्षा में उछाल भरी है। ये थर्ड अर्थ बाउंड ऑर्बिट रेंजिंग मनूवर बेहद शानदार रहा है। इसके लिए चंद्रयान के इंजन को टीम इसरो ने 989 सेकंड के लिए यान पर मौजूद प्रोपल्सर सिस्टम को फायर किया। अब चंद्रयान 2 ने 276x71,792 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर ली है। इसरो ने बताया कि अंतरिक्ष यान के सभी पैरामीटर्स सामान्य हैं। अब 2 अगस्त को दोपहर 2 से 3 बजे और फिर 6 अगस्त को ये मनूवर किया जाएगा ताकि चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा की ओर बढ़ सके। वहीं ट्रांस लूनर इंसर्शन यानी चंद्रयान चांद की कक्षा में 14 अगस्त 2019 को एंटर होगा। इसरो के बयान के मुताबिक 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को धरती की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए 883 सेकंड की फायरिंग करके इसे दूसरी अगली कक्षा में दाखिल कराया गया था। इसरो ने कहा है कि स्पेस क्राफ्ट की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। धीरे धीरे ये धरती की कक्षाओं को पार करते हुए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो के अनुसार वैज्ञानिकों ने महज 57 सेकंड की ऑनबोर्ड फायरिंग के जरिए चंद्रयान 2 को धरती की पहली कक्षा में स्थापित करा दिया था। चांद पर ले जाने के लिए इसको 4 ऑर्बिटल एलिवेशन से गुजारा जाएगा। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक हर बार यान को अगली कक्षा में स्थापित करेंगे। ये प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी, यानी चंद्रयान 2 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को इसे चांद की कक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 6 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के दौरान ये लगभग 15 मिनट तक खतरे का सामना करेगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने तक ये बेहद कड़ी निगरानी में रहेगा। इसरो की देखरेख में अमेरिका, रूस और चीन में बने भारतीय स्पेस सेंटर के वैज्ञानिक भी चंद्रयान 2 पर नजर रखेंगे। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान 2 की गति में बदलाव होगा, जिस पर वैज्ञानिकों की गहरी नजर रहेगी। चंद्रयान 2 अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जटिल मिशन है, क्योंकि इसरो न सिर्फ ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करेगा बल्कि लैंडर को बहुत धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक 2022 में अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारियों में जुट जाएंगे। चंद्रयान 2 को सबसे पहले 2010 या 2011 में छोड़े जाने की योजना थी। तब यह रूस के साथ संयुक्त मिशन था। रूस इस मिशन के लिए लैंडर और रोवर देने वाला था। रूसी लैंडर और रोवर के डिजाइन में खामियां आने के बाद यह मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। अब चंद्रयान 2 3 खंडों से बना हुआ है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस यान में कुल 13 पेलोड हैं। इनमें 5 भारत के, 3 यूरोप, 2 अमेरिका और 1 बुल्गारिया के हैं। 8 पेलोड ऑर्बिटर में, 3 लैंडर विक्रम में, जबकि 2 रोवर प्रज्ञान में मौजूद रहेंगे। चंद्रयान 2 3 खंडों से बना हुआ है। पहला ऑर्बिटर जिसमें 2379 किलो वजनी पेलोड है। दूसरे खंड लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है जिसमें 1471 किलो वजनी पेलोड है। रोवर प्रज्ञान में 27 किलो वजनी 2 पेलोड लगे हुए हैं। विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव न केवल दुनिया से अपरिचित है बल्कि काफी जटिल भी है। माना जाता है कि चंद्रमा के इस हिस्से में पानी के साथ खनिज भंडार भी हो सकते हैं। इसी कारण भारत के इस अंतरिक्ष अभियान पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। वहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पर्याप्त अवसर मौजूद है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा बन सकता है। चांद पर यूरेनियम, टाइटेनियम और बहुमूल्य धातुओं का भंडार है। वहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी पर्याप्त अवसर मौजूद है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रमा पर मौजूद बहुमूल्य खनिज किसी दिन पृथ्वी के काम भी आ सकते हैं। यही नहीं, चंद्रमा के विकास को समझकर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं।